हेलो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं मैंने लहसुन लगाया है, छोटी छोटी कलियाँ। और देखिए 8 दिन के बाद कितना बढ़िया हो रहा है। हमारे घर में हम हमेशा ऐसे छोटे छोटे बॉटल्स में होल बनाते रहते हैं। और फिर मुझे अचानक अपने मन में एक ये हुआ कि अपने जो गमला है उसमें तो ऑलरेडी होल्स है, तो हम उसमें क्यों ना लगाएं। तो ऐसे ही माइंड में आ गए और मैंने ऐसे 2-3 लहसुन लगाई, तो देखते हैं तो ऐसे बढ़िया अंकुर आते रहे। तो मैंने बहुत सारा ट्राई करते गई, तो देख सकते हैं इतना बढ़िया लहसुन अच्छे से हो रहा है। मुझे कोई मेहनत करनी नहीं पड़ी, सारा क्रेडिट मैं अपने कीड़ों को दूंगी। ये देख सकते हैं जो अपने घर में अर्थवर्म रहते हैं, ये तो किसान का फ्रेंड्स रहता ही है। पुरातन काल से हम लोग पढ़ते भी थे तब भी सबसे पता है। तो मैंने आज उन्हीं की मदद से लहसुन ग्रो किया, मुझे मिट्टी बनाने की गरज नहीं पड़ी। उन्होंने ऑलरेडी मेरी मिट्टी वेटरिन बना दी, देख सकते हैं ना। अब ये सब अर्थवर्म्स रहते हैं, उसमें कीड़े रहते हैं, जो नीचे मिट्टी दिख रही ना ये सब कीड़े ही बनाते हैं। और एकदम पोरस रहती है, उसमें इतना न्यूट्रिशन रहता है। तो ये मिट्टी को जैसे हम लोग कंपोस्ट डालते हैं, वही कीड़े होल से पूरा निकाल देते हैं। तो ये गमले इतने अच्छे रहते हैं ना कि हमें 2-in-1 काम हो जाता है। अभी मैं एक एक सभी तरफ से करूँगी, तो बस मैंने थोड़ा सा ट्राई किया था, मेरा ये मिशन सक्सेस हो गया। आप देख सकते हैं ऐसे ही मैं छोटी छोटी कलियाँ लगा दी थी, लेकिन कलियाँ अच्छी से होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, तभी अच्छे से निकलेगा। और हमें पानी भी नहीं देने की गरज नहीं पड़ती है। ये देख सकते हैं अपने आप ही वो प्लांट्स को, जैसे मैं पानी डालती हूँ तो यहाँ से अपने होल से निकल जाते हैं। तो ये भी पोषक तत्व रहते हैं, वो अपने ऐसे मिल जाते हैं। मेरा चैनल तो वायरल होगा कि नहीं मुझे पता नहीं है अपना वीडियो तो, लेकिन मुझे लहसुन की पत्तियाँ ज़रूर खाने के मिलेंगे, क्योंकि ये लहसुन की पत्तियाँ इतना उसमें विटामिन रहता है, हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा रहता है, तो इसका फ़ायदा मुझे ज़रूर मिलेगा। तो आप ऐसा ज़रूर करिए, बहुत ही अच्छा रहता है। और ये लहसुन आप देख सकते हैं, ये मैंने पहले का लहसुन डाला है, ये देखिए इतना बढ़िया हो रहा है। अभी इसको मैं निकाल दूँगी, क्योंकि ये बहुत पुराना हो गया, मैं 1-2 महीने से ज़्यादा हो रहा है। तो इसकी पत्तियाँ बहुत अच्छी रहती है और इतने ऑर्गेनिक है और खुशबू भी बहुत है। तो ऐसे ही हमें कम बजट में, कम मेहनत में, लो मेंटेनेंस में ऐसे लगाते रहना है। इसमें ज़्यादा मुझे कोई मेहनत करनी नहीं पड़ी, बस लहसुन डाल दिया, बस हो गया। सारा क्रेडिट मैं अपने कीड़ों को दूंगी, जो अर्थवर्म्स रहते हैं, जो छोटे छोटे शंख कीड़े रहते हैं, वही सब मिट्टी को अच्छे से बनाते हैं। तो बहुत बढ़िया एक अच्छे से हो गया है। तो अभी मुझे अब ये एक ऐसी ग्रो बैग है, ये गमला है, ये कभी भी ख़राब नहीं होता है, ये बहुत अच्छा क्वालिटी का रहता है। इसको गर्मी में ज़्यादा पानी की गरज भी नहीं रहती है, मैं अक्सर बताती रहती हूँ। ऐसे हमें गमले ख़रीदना है जो लॉन्ग लास्टिंग हो, ख़राब नहीं होते हैं। एक तो मिट्टी के गमले अच्छे रहते हैं, नहीं तो ये ऐसे इसमें पानी भी कम लगता है। और देखिए आपका सामने रिजल्ट है, कोई फेक नहीं है, सब ओरिजिनल है, 100% ये है प्योर, मुझे कोई डुप्लीकेट नहीं है, जो है वो आप सामने देख ही रहे हैं कितना अच्छा रिजल्ट आया है। तो आप देख सकते हैं, तो आपको जहाँ भी ऐसे गमले मिलेंगे तो आप ज़रूर खरीदीजिए, ये ज़्यादा महंगा नहीं है। मैंने शायद 400 का कुछ ऐसे 300-400 कुछ लिया था, लेकिन मुझे मेरा फ़ायदा भी बहुत हो रहा है। अभी बाकी जो होल से मैं इसको भी लगाऊंगी, मैंने सिर्फ ट्राई के लिए किया है। अब मैं अक्सर ऐसा ही करूंगी, अभी मुझे बॉटल में छेद करने की गरज नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी इसमें छेद कर दिए हैं। इसमें ऑक्सीजन अच्छे जाता है, एयर अच्छी जाती है, तो यही कहीं से फ़ायदा है। इससे यहाँ से वो ओपन भी होता है, लेकिन हमें एक बार गमला जैसे बना दिया तो ये ओपन करने की गरज नहीं है। और ये गमले बहुत अच्छे रहते हैं, तो आप ऐसे गमले ज़रूर खरीदिए और ऐसे ही लहसुन लगाइए। तो ये देखिए, ये 15 दिन का रिजल्ट है, अभी तो काफ़ी समय है, 1 और महीने से ये लहसुन और अच्छा बढ़ेगा। आप देख सकते हैं ये पूरी मिट्टी है, मैंने डाली नहीं, जो कंपोस्ट में डालती रहती हूँ मिट्टी, वही कीड़े सब पोरस कर देते हैं, मिट्टी को निकाल के यहाँ पे स्टोर कर देते हैं। नीचे भी बहुत मिट्टी पड़ती है, ये मिट्टी बहुत अच्छी रहती है, मैं हमेशा ये निकाल के अपने कंपोस्ट गमले में डालती रहती हूँ। तो मेरा वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और आप भी ऐसे गमले लीजिए, ट्राई करिए। और अपने को कुछ करना नहीं, सारे ही फ्रेंड्स करते हैं, जो कीड़े अर्थवॉर्म्स ये किसान के फ्रेंड्स रहते हैं, मिट्टी को पोरस करते हैं। तो
एक लाइक ज़रूर करिए, ये मेरी खुद की अपनी आइडिया है।